नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हमारे साथ हैं सदर विधायक रामरतन कुशवाहा। जिस प्रकार से किसान संगठन विरोध कर रहे हैं किसान बिल को लेकर, उस पर क्या कहना है सदर विधायक रामरतन कुशवाहा का? और आज भारत बंद है, भारत बंद का क्या असर देखने को मिल रहा है? प्रशासन की क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? और विपक्षी पार्टियां किस तरीके से इस प्रदर्शन में सहयोग कर रही है, इसको लेकर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा से हम चर्चा करेंगे। विधायक जी, आपका स्वागत है। सौरभ जी, धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जनपद सहित समस्त प्रदेशवासियों को मेरी ओर से प्रणाम। विधायक जी, भारत बंद है, आपकी सरकार द्वारा जो बिल लाया गया है उस बिल को लेके भारत बंद किया गया है, किसान ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए सौरभ जी, मैं ये बात बता दूँ आपको, भारतवर्ष का किसान कतई परेशान नहीं है। जो सुविधा केंद्र सरकार ने किसान को दी है, वो दूसरी सरकारों ने आज तक उनको देने का काम नहीं किया। और ये जो बिल जिनके विरोध में आज किसान आंदोलन कह रहे हैं, हम वास्तव में किसान आंदोलन नहीं कर रहा, बल्कि किसानों की याड़ में विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी भूमिका को तय करने का काम किया है। और वो चाहते हैं कि जो पंजाब और महाराष्ट्र में दो किसानों के बड़े बड़े माफिया बैठे हैं, शरद पवार और यहाँ पंजाब में कौर परिवार, ये विभिन्न मल्टी स्टेट कंपनी बना करके किसानों को ठगने का काम करती हैं। और इन्हीं के संरक्षण में इस किसान आंदोलन के लिए उकसाया गया है। वो अभी तक तो जो कौर की आप बोल रहे हैं, वो आपकी पार्टी की एक हिस्सेदार थी, समर्थन नहीं होती आपके लिए, आपकी सरकार का हिस्सा थी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, हमारी सरकार में थी, समर्थन कर रही थी। लेकिन जब मोदी जी की नीति और सिद्धांत में अंतर उनको नहीं दिखा और उन्होंने देखा कि मोदी जी हमारे ही धंधे पर चोट करने वाले हैं, तो उन्होंने हमारे समर्थन से बाहर होकर, सरकार से बाहर हो गई और समर्थन वापस लिया। लेकिन हमारा उद्देश्य किसान को लाभ पहुंचाना। सिमरत जी मौर्य जैसे कोई और भी अगर इस सरकार में है तो वो भी समर्थन से बाहर निकल जाए। मोदी जी इस बात की कतई चिंता नहीं करते, उनका केवल सोचना ये है कि भारत वर्ष का प्रत्येक किसान मजबूत हो, उसकी आय दोगुनी हो जाए, और इसी आधार पर वो काम कर रहे हैं। देखिए, 13 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन, अभी भी बदस्तूर जारी है और आज भारत बंद है, तो 13 दिन से सरकार क्या कोशिश कर रही है? देखिए, किसानों को मनाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? बिल्कुल, सरकार के संग किसानों के जो प्रतिनिधि हैं उनके संग, हमारे केंद्र सरकार के मंत्रियों के संग लगातार रोज बैठकें हुई हैं, और बैठकों में कुछ तय होता है, कुछ लोग खिलाफ हो जाते हैं, इसलिए बैठक भी नतीजा हो जाती है। कल फिर बैठक होने वाली है और हमारे मोदी जी ने स्पष्ट रूप से अपने मंत्रियों को भेजकर किसानों के नेताओं से कहा है कि आप लोकसभा में आइए, हमारे साथ बैठिए, जो भी आप बिल में सुधार चाहते हैं उस सुधार को करने के लिए, बशर्ते कि वो सुधार किसान के हित में हो, उन सभी सुधारों को हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जो किसान बिल पेश हो गए हैं, जो पास हो गए हैं, आपकी विपक्ष की उपस्थिति में पास हुए हैं, उनको किसी भी दशा में वापस नहीं लिया जाए। विपक्ष अदानी अंबानी पे आरोप लगा रहा है कि अदानी अंबानी के सारे पर पूरा किसान बिल इस तरीके से लाया गया है, उनके लाभ उन्हें लाभ दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। देखिए, अदानी अंबानी से किसान बिल का कोई संबंध नहीं है, बल्कि अदानी अंबानी का नाम लेकर के शरद पवार जैसे लोग, जिनका इस किसान की पूरी पैदाश, जो भी पैदावार होती है उस पर पूरा कब्जा किए हैं, ये लोग उसको किसान को ठगने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से किसानों को बचाने के लिए ही ये बिल पास किए गए हैं। विपक्ष की क्या भूमिका नजर आ रही है? देखिए, विपक्ष को तो, विपक्ष के पास जब कुछ नहीं बचा, विधानसभा लोकसभा में वो इस बिल का विरोध करते रहे, कुछ नहीं कर पाए, और विरोध भी उस स्तर का, घटिया स्तर का, निम्न स्तर का, जो किसान के हित में नहीं था, उस तरह की भाषणबाजी करके बिल का आगे विरोध कर रहे थे। बिल करें, किसानों का लाभ हो या ना हो। अच्छा, आखिरी बात हमें कहेंगे विधायक, ठीक है, जो लोग हैं जो आपके लिए सपोर्ट कर रहे थे, आपके खुद राज्य मंत्री बोल रहे हैं कि जो किसान इस समय जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, असली किसान खेतों में, तो किसान नेता क्या किसान नहीं है? देखिए, किसान नेता जितने भी हैं वो किसानों के हितों से उनका ज़्यादा लेना देना नहीं, उनका सोच ये है कि हमारी राजनीति पकती रहे, हम बनते रहें, हम किसान के नेता बने रहें। उनको अब ये लग रहा है किसान हमसे दूर हो रहा है, इसलिए वो लगातार किसान नेता सो करके इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, जबकि सरकार का मन ये है किसान की जो पैदावार है वो अपनी पैदा की हुई जिन्स को कहीं भी ले जाकर, पूरे देश में कहीं भी ले जाकर बेचे, ये सुविधाएं अब इन लोगों को रास नहीं आ रही हैं, इसलिए ये आंदोलन को उकसा रहे हैं। आप सुन रहे थे सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, के लिए किसान बिल को लेकर अपनी सरकार का पक्ष रखते नजर आ रहे थे और स्पष्ट तरीके से बोलते हुए नजर आए कि ये विपक्ष ने ही सहयोग किया था जब ये बिल पास हुआ था,
अब इस प्रकार का विरोध क्यों? किसान नेता जो सड़कों पर है क्या कहीं अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं? अब आज देखिए अगली वाली बात यह होगी कि सरकार किन बातों को लेकर मानती है और किस प्रकार से बिल में और परिवर्तन देखने को मिलता है, क्या बिल वापस होगा कि नहीं होगा। प्रदेश में तय मानिए आज कहीं भी बाजार बंद नहीं है। भारत बंद का नाम लेकर के जो बंद का आह्वान किया गया था, किसी भी किसान भाई ने, किसी भी व्यवसायी ने, किसी भी दुकानदार ने अपनी दुकानों को, अपने बाजार को बंद नहीं रखा है, बल्कि सभी काम कर रहे हैं। मैं पूरे जनपद के व्यापारियों से मिलकर आया हूं और अपनों का व्यापार सुचारू रूप से चल रहा है। प्लस प्रोडक्शन पूरे बाजार में घूम के व्यवस्थाएं दी गई हैं कि कोई किसी तरह का दबाव डाल के बाजार बंद ना करा पाए। निरंतर चौकसी बरती जा रही है। मैं भी बाजार में घूम रहा हूँ, प्रशासन भी मेरा पूरे जनपद में घूम रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताइए आपका। धन्यवाद जी।